निकाय चुनाव मतगणना के दौरान प्रत्याशी जीतते रहे और सामने आते गए। साथ ही भाजपा खेमे की बड़ी जीत से भाजपाई खासे उत्साहित दिखे। पब्लिक टीवी के विशेष संवाददाता अंकित चौहान ने कई विजयी प्रत्याशियों और भाजपा पदाधिकारियों से बात की। किसी ने विकास का आश्वासन दिया तो कोई इसे संगठन की जीत मान रहा था। क्षेत्र की जनता ने आपका भरोसा जताया है। मैं अपनी क्षेत्र की जनताओं को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी जो मुझे इस काबिल समझा और मैं उनकी पूरी परेशानियों को दूर करने के लिए पूरी तरह से खड़ी रहूँगी और क्षेत्र विकास के लिए पूरा पूरा सहयोग दूंगी। कौन से वार्ड से आप, कौन सी, क्या नाम? मेरा नाम प्रियंका है, मैं वार्ड 1 से। कौन सी पार्टी? सापुर तिगरी, BSP, बहुजन समाज पार्टी। क्या नाम है आपका? जनता से कुछ कहना चाहेंगी जैसे जीती हैं? जनता के साथ वार्ड 11 से। क्या नाम? कौन सी पार्टी? समाजवादी पार्टी से। क्या नाम है? कितने वोट में जीता? 177 वोट हो गए। कौन सा वार्ड से जीते? क्या किस तरह से विकास करेंगे, क्या क्या करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? हम अपने क्षेत्र में बहुत अच्छी तरह से पूरा विकास करेंगे, सफाई सुथराई कराएंगे उसमें और पानी की ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम, सबसे पहले पानी का ही निकासी का बंदोबस्त कराएंगे। क्षेत्र की जनता ने आप पर भरोसा जताया, क्या कहेंगे? हम क्षेत्र की जनता पर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं उनके लिए और क्षेत्र की जनता का जो भी काम होगा हम दिलो जान से उनका काम करेंगे। धन्यवाद। भाजपा की जीत पर यही कहूँगा कि सभी महानगर वालों का बाहर भी आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने इतने कठिन स्थिति में भी, जिसमें 4 कैंडिडेट होने के बावजूद भी बीजेपी को इतना समर्थन देकर इतने बाहरी बहुमत से जीत कराई है तथा बहुत सारे पार्षद बीजेपी के ही बने। लाखन सिंह का काफ़ी अच्छा रोल रहा, राजी का तथा सैनियों का भी काफ़ी वोट मिला है, तो इसलिए विनोदक राजी के जीत में थोड़ा कठिनाई का रास्ता बनी गया था उनके लिए। आपकी उम्मीद है चुनाव जीता है, चुनाव है, क्या कहेंगे, किस तरह से तैयारी? तैयारी तो बस अपने लोगों ने जो करवाई थी सो हुई थी और उसके लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी लगन का प्रयास किया, प्रयास से इलेक्शन लड़ा है उन्होंने हमारी और काफ़ी अच्छे मतों से जीती हैं और आपके काफ़ी लोग हमारे विरोध में भी थे लेकिन अब तो जीत गई। मुरादाबाद में अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी का कितना सहयोग रहा, नाम से इलेक्शन होना या फिर भारतीय जनता पार्टी का? नाम तो दोनों का ही था, कैंडिडेट का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी, और भारतीय जनता पार्टी के काम और भारतीय जनता पार्टी के पुराने जो काम हैं काफ़ी अच्छे काम करें कराए हैं हमारे पुराने लोगों ने, तो उसके ही वजह से ऐसी। आखिरकार क्या रहता है, क्यों काम करो, वहाँ मंडी गेट पर खड़े हो जाओ या अंदर आ जाओ या टंकी के नीचे। बहुत बढ़िया काम करा है हमारे जो पुराने नेताओं ने और अभी देखिए आप जैसा आप देख रहे हैं कि मोदी और योगी जी ने बताया है, वादे करे हैं, वो सारे वादे हम पूरे करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के कुछ युवा जिन्होंने मेहनत भी की है, चुनाव भी लड़ा है, देखना ये होगा कि आगे भी ये जो रोल अदा कर पाते हैं ये युवा या नहीं, ये तो वक्त। सहयोगी के साथ अंकित चौहान, पब्लिक टीवी। भारतीय जनता पार्टी की जीत हो चुकी है और विनोद अग्रवाल मुरादाबाद के महापौर बन चुके हैं और उसके बाद में हम जानना चाहेंगे हमारे साथ में एक्सपोर्ट एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हमारे साथ में और उनके बड़े भाई भी हैं, उनके दादा जी हैं, उनसे बात करेंगे। महेश जी हमारे साथ में, सर हम आपसे जानना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी और आपके बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। इस जीत के अंदर सभी वर्ग के लोगों ने मुरादाबाद का साथ दिया है और इस जीत के होने से जो मुरादाबाद क्षेत्र का जो व्यापार है, एक्सपोर्ट है, वो मैं समझता हूँ बहुत बढ़ेगा और इसका शहर का जो पिछले 30 सालों में कोई विकास नहीं हुआ था वो भी होने के बहुत बड़े बड़े चांसेस बन गए हैं, क्योंकि हमारे जो शासन है वो भी भाजपा का है और केंद्र में हुआ है और जो भी हम लोग कुछ भेजते थे पहले छापा के शासनकाल में या BSP के शासनकाल में फाइलें वहीं पर रह जाती थी, लेकिन मेरा विचार यह है कि हमारा जो उद्योग है, हमारा जो क्षेत्र है और जो हमारा शहर है वो बहुत सारी योजनाएँ हैं जो 35 साल से पेंडिंग है, मूचड़ खाना है, जेल है, बस अड्डा है और जितनी भी समस्याएँ थी हमारी जो नहीं हुई थी, मैं समझता हूँ और आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर ये शासन द्वारा सभी पूरी होकर के और भाई विनोद अग्रवाल इस कार्य को पूरा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। इसके साथ ही अगर बात करें कितना असर पड़ा GST विपक्ष इसमें सवाल उठा रहे हैं। अच्छे होंगे इस वर्ष सब लोग ने दिल से बीजेपी
सेवा में 12 साल से जो जनादेश मिला है और हम लोग उसके ऊपर खड़े उतरेंगे। स्मार्ट सिटी की हमारी योजना है, स्मार्ट सिटी भी बनेगी और पूरा बहुमत मिलना है और हमें जो है पार्षद का भी और महापौर का भी पूरा उससे हम जीते। आपके द्वारा किस तरीके की तैयारियां की गई थी इस चुनाव को? हमने जो तैयारियां की थी, जो मोदी जी ने योगी जी की जो योजनाएं थी उन योजनाओं को देखा और पब्लिक ने उसको माना उस योजना को और कहा उन्होंने कि जो है इसको माना और उसी की हमारी जीत है जो योगी जी मोदी जी ने इस प्रकार की हमें योजनाएँ बनाई हैं। हमारे साथ और भी साथी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम जानेंगे कि क्या कहेंगे। सबकी जीत है, सबका साथ सबका विकास, ये जो नारा था मोदी जी का वो इसी पे ही आधारित था और ये जो जनता ने दोबारा काम करने का मौका दिया है हमारे भारतीय जनता पार्टी को उसको पूरी तरह से निभाया। आप क्या कहें, जिस तरीके से विपक्ष ने सवाल उठाए थे क्या उसका कहाँ रहा? कहीं दिखता है कि आप बताइए सर, मैं आपसे पूछूँगा कि विपक्ष जो सवाल उठाता है वो फर्जी बात है। हमारा काम बोलना है, जो जनता देख रही है वो काम देख रही है। GST और नोटबंदी ये कुछ नहीं है, जनता पे इस पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, काला बाजारी वालों पर असर पड़ा और जनता इससे खुश है। तो ये थे भाजपा जी जिन्होंने हमारे साथ में बात की है। अब देखना होगा कि मुरादाबाद में और क्या परिवर्तन आएगा और कितना विकास बढ़ जाएगा।